तरफ देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर भारतीय जनता पार्टी सवालों से घिरी है। भाजपा पर देवेंद्र फडणवीस के डिमोशन से जुड़े कई तरह के आरोप लग रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के कई इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वहां दूसरी तरफ सीधे तौर से सामने आ रही हैं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के ट्वीट्स। आपको बता दें, अमृता फडणवीस जिनकी इच्छा थी कि उनके पति को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के साथ पीएम मोदी और अमित शाह ने जो खेल खेला है उसे लेकर लगातार चर्चे हो रहे हैं, तो वहां दूसरी तरफ अमृता फडणवीस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रही हैं। अमृता फडणवीस के ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। वो लिखती हैं, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक ऑन इंडो यूके रिलेशंस एट यूके पार्लियामेंट एंड ऑल्सो रिसीव्ड इंडियन ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड एट यूके पार्लियामेंट टूडे विद द वर्ड्स ऑफ आवर पीएम नरेंद्र मोदी जी इंडिया यूके रिलेशन हैज़ बिकम रोबस्ट एंड इज एक्सपेंडिंग एट फेडरल स्टेट एंड लोकल लेवल्स। देख सकते हैं आप, लंदन पहुंचकर भारत और इंडिया के रिश्तों पर बात की है अमृता फडणवीस ने। वहां उन्हें इंडियन ऑफ द वर्ल्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पूरे सम्मान के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करती हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते ही दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे हो पाए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।